अनदर एपिसोड ऑफ आपकी किचन में। जी हाँ, आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हमारे बहुत से साथी ईमेल मैसेजेस भी भेज रहे हैं, फ़ोन भी करते हैं और आपके लेटर्स भी मुझ तक पहुँचते रहते हैं। आज भी हम किसी के घर में हैं। जी हाँ, ये है राजवीर जिन्होंने हमें लिखा था कि सरिता हमारे घर आई, मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ। अब मैं इनकी ही किचन में इनका स्वागत करती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि हमें क्या सिखाने जा रही हैं। हाय राजवीर, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एनीवे। इट्स ऑलराइट। गुड। डू यू वॉच द प्रोग्राम? यस आई डू। एक्चुअली सनराइज टीवी में मुझे ज़्यादा अच्छा जो लगता है वो है 70s की मूवीज। 70s की मूवीज, ओके। बिकॉज अदर चैनल्स पे जो आती हैं चीज़ें वो तो वही आजकल की पिक्चर्स। जी जी। और कभी कभी क्या होता है कि पिछली यादें जो जुड़ी होती हैं वो पिछली पुरानी मूवीज में, और दिशाएं कितना अच्छा है। आपको दिशाएं अच्छा लग रहा है? ओके। और आपकी किचन में, और इसमें स्पेशल बात वो है कि वो कि आप हमारे जैसे घर आते हो। क्योंकि मैं आपके घर में जाती हूँ जी, और आप जैसे जगह जगह जाते हो तो इसमें एक अच्छी बात क्या होती है कि वो घर का स्वाद जो है ना वो इसमें आता है। बिल्कुल। यू वे यंग राजवीर, तो बताइए कि कितने साल से कुकिंग कर रही हैं आप, किससे सीखी आपने कुकिंग? एक्चुअली इट्स बीन 6 इयर्स। और यू बीन मैरिड 6 इयर्स? ओके। और तभी से ये मेरा कुकिंग का सफर शुरू हुआ। वैसे मेरी मम्मा है इंडिया में, तो उनको लगता था कि जब भी हमारी समर की वो छुट्टियां होती थी तो हमें वो बस पीछे पड़ जाती थी कि हॉलीडे होगा करो और ये बस और सीखो और कुछ ना कुछ बनाने के लिए सिखाती रहती थी। कभी मीठा, कभी कुछ पराठे और कभी और यहाँ पे आके तो खुद मैंने बहुत सीखा, क्योंकि इंडिया से भी ज्यादा यहाँ पे लोग लाइक करते हैं खाना बनाना भी और खाना भी। क्योंकि इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो भी खाने को जी चाहता है इंडिया फटाफट बाजार जाओ और लेकर आ जाओ, यहाँ पे सब कुछ, अब तो खैर सब कुछ मिलता है पर फिर भी लोग पसंद करते हैं कि घर में हम खुद बनाए। चिली पनीर बनाने जा रही हूँ। चिली पनीर, ओके। आपका अपना स्टाइल? जी जी, सभी इतना यहाँ पे लाइक करते हैं। बच्चे हमें सबसे पहले तो पनीर चाहिए जी, और फिर कुकिंग ऑयल और बड़े बड़े चॉप्ड किए हुए डाइस ऑफ अनियंस एंड स्प्रिंग अनियंस एंड तीनों बेल पेपर्स, रेड ग्रीन और येलो, बिकॉज इसमें अच्छा कलर आ जाए, कलर भी आए और स्वाद भी आए। और ये मद्रास करी पेस्ट है जो हमें बाजार में रेडीमेड मिल जाती है। ओके जी। और सॉल्ट आपके स्वाद के अनुसार और लॉट्स ऑफ गार्लिक, फाइनली क्रश्ड गार्लिक। हाँ जी। एंड चिलीज, ग्रीन चिलीज, ऑब्वियसली चिलीज है, रेड चिलीज नहीं मैं देख रही हूँ यहाँ पर। यह क्योंकि यहाँ पे मैंने ना ग्रीन चिलीज भी बड़ी बड़ी काटी हैं, क्योंकि हमारे घर में भी कई बार होता है कि जिसको चिली खानी होती है वो खा सकता है, जिसको नहीं खानी है वो निकाल सकता है। ओके ठीक है। और रेड चिली को आप निकाल ही सकते हो। राइट, ओके। सबसे पहले हम वॉक को गर्म करते हैं और उसमें लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, लगभग दो टेबल स्पून आपने ऑयल लिए। और इसमें हम डालेंगे, सबसे पहले इसे थोड़ा गर्म करते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड किए हुए अनियंस जो मैंने मोटे मोटे चॉप किए हैं। और हम इज इट वन अनियन, टू अनियन? इट्स टू, टू या टू स्मॉल अनियंस। और इसको थोड़ा सा भी हम चलाते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक। बाकी चीज़ों में क्या होता है कि हम गार्लिक पहले डालते हैं और प्याज बाद में डालते हैं जी। और इसमें मैं गार्लिक बाद में डालूंगी, क्योंकि इसमें जो गार्लिक का वो कच्चेपन का टेस्ट भी है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो हम तकरीबन इसमें 2 टीस्पून हम गार्लिक डाल देते हैं। बस इसे आधा कच्चा सा करना है, आधा कच्चा हो और आधा पक गया हो जी, क्योंकि हमें वो बेल पेपर वगैरह भी ज़्यादा नहीं कुक करनी है। हाँ हाँ। और ना ही ये स्प्रिंग अनियन ज़्यादा कुक करने हैं, तो सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं मतलब करना है। और अब हम इसमें डालते हैं स्प्रिंग अनियन, ये अबाउट 5-6 इस सब फोर बिग स्प्रिंग अनियन आई थिंक। और अब इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली। अच्छा, साथ ही जी जी।
और अब इसी में हम ब्लैक पेपर्स भी डाल देंगे। क्योंकि कहते हैं टीवी पे कि एक टेबल स्पून टू टेबल स्पून, और पर मैं इस ऐसी कुकिंग में बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि खुला जी आपको पता है, जैसे जी आपको पता है कि आपको कितना ग्रीसी खाना है, कितना तीखा खाना है। जी जी बिल्कुल। और अब इसको थोड़ा सा कुक करना है, मतलब इतने हो जाए कि इसमें कुछ कच्चापन का टेस्ट भी ना रहे और बिल्कुल ज़्यादा भी ना हो जाए। ओके इसी के लिए डन रेसिपी थोड़ा सा एक मिनट। तो वैसे ये रेसिपी आपने कहाँ से सीखी थी, आपने आप ट्राई किया या? जी मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह, कई बार किसी कई जगह पर खाते हो, किसी के घर में खाते हो या फ्रेंड्स में खाते हो, तो आपको जब आप ज़्यादा टाइम हो जाता है ना कुक करते हुए, तो आपको टेस्ट करके पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। और तीन चार रेसिपीज को जब हम इकट्ठा मिक्स कर देते हैं, तो फिर जैसे अभी ये मद्रास करी पेस्ट है, मैंने पहले बहुत सारी सॉसेज दिस एंड दैट बहुत ट्राई किया, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता था जो मतलब चिली पनीर का होना चाहिए। लेकिन मद्रास करी पेस्ट मैंने ट्राई जब की तो रियली नाइस, इससे वो जो चिली पनीर का टेस्ट आता है। तो अभी इसमें हम ये डालते हैं ये करी पेस्ट, सबसे पहले एक करी पेस्ट, करी पेस्ट डाल दें। तो दो टीस्पून आपने डाल दिए, दो डाल दिए, और मैं अभी लगभग दो ही और डालूंगी। मेरी मद्रास करी पेस्ट, करी पेस्ट ओके, तो इसको अच्छी तरह से मिला दें और थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा इस करी पेस्ट में भी सॉल्ट होता है, तो ये थोड़ा ही डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। ओके और फिर हम डालते हैं इसमें चिली सॉस, स्वीट चिली, स्वीट चिली सॉस जी, ये भी मैंने तीन टेबल स्पून करी सॉस डाले। और अभी इसमें डाल देंगे हम पनीर, जितना भी आप लाइक करते हो, ज़्यादा भी डाल सकते हो, थोड़ा लाइक डाल सकते हो। तो ये इंडियन पनीर आप घर में भी बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, दूध बचा के, और बाज़ार में भी आजकल मिल जाता है, तो इसे आप कच्चा रखते हैं जी। बहुत से लोग थोड़ा सा तल भी लेते हैं जी, हेल्थी ऑप्शन है कि आप कच्चा रख लो, पर कुछ लोग कच्चा पनीर नहीं लाइक करते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा स्लाइटली इसे ब्राउन भी कर सकते हो, फ्राई कर डीप फ्राई कर सकते हो। तो चिली पनीर बिल्कुल तैयार है, मैं जल्दी से आपको रिकैप देती हूँ, नोट कीजिएगा। हमें चाहिए कुकिंग ऑयल इसे बनाने के लिए, साथ में चाहिए टू बिग अनियंस, स्प्रिंग अनियंस चाहिए, तीन तरह की पेपर, कैप्सिकम जिसे कहते हैं रेड येलो एंड ग्रीन, इसके अलावा ग्रीन चिलीज चाहिए हमें, और स्वीट चिली सॉस एंड साथ में मद्रास करी पेस्ट जो कि रेडीमेड आप यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट चाहिए, गार्लिक क्रश किया हुआ और पनीर। तो सबसे पहले आपने पैन में डालना है ऑयल, ऑयल डाल के आप अनियंस जो कि मोटे मोटे काट के रखे हुए हैं आप वो दो अनियंस डालेंगे, एंड जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो बीच में डालनी है आपने तीन टीस्पून फुल ऑफ क्रश्ड गार्लिक। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो नहीं डालें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं या अच्छा लगता है आपको गार्लिक का टेस्ट तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल सकते हैं। जब वो थोड़ा सा भुन जाते हैं उसके बाद आपने बीच में ऐड करने हैं स्प्रिंग अनियंस, इन्होंने पांच लंबे अनियंस लिए और उन्हें लंबे लंबे काट लिया था, एंड ग्रीन स्प्रिंग अनियंस डालने के बाद आपने बीच में ऐड करनी है तीनों तरह की पेपर, जो ग्रीन येलो एंड रेड पेपर आपने तैयार करके रखी है वो बीच में डालनी है। इसके बाद इन्होंने बीच में ऐड की मद्रास करी पेस्ट, मद्रास करी पेस्ट बीच में डालने के बाद आपने डाला सॉल्ट, सॉल्ट और देन शी एडेड स्वीट चिली सॉस एंड दैट्स इट। फिर थोड़ा देर उसे हिलाना है, हिलाने के बाद आपने ऐड कर देना है पनीर, कुछ लोग कच्चा पनीर लाइक करते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि उसे थोड़ा सा हम सॉटे कर लें या थोड़ा सा तल लें, तो कच्चे पनीर के साथ इन्होंने बनाया है पनीर, आपको आराम से बाज़ार से भी मिल जाता है और बहुत से एक्सपर्ट ऐसे भी हैं जो घर में बना सकते हैं, पनीर अपने आप सेटल कर सकते हैं। तो अब ये चिली पनीर बिल्कुल तैयार है, तो मैं भी खाने के लिए तैयार हूँ, ज़रा ट्राई करें, ये आप डिश में डाल रही हैं तो राजवीर तैयार है आपका चिली पनीर, तो जो भी एक्सेस ऑयल है वो आप जी पैन में ही रहने, क्योंकि मद्रास करी पेस्ट है ना तो वो भी थोड़ा भी छोड़ता है, और ये नॉनस्टिक पैन है तो जो भी इसमें है वो नीचे ही रह जाना है, ठीक है, तो फिर आप इसमें अच्छा है कि बीच में से ऊपर से निकाल दें
कि बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है एंड बहुत जल्दी बन जाते हैं. प्रिपरेशन टाइम इज मैक्सिमम 7 to 8 minutes. 7 to 8 minutes में आपका चिली पनीर बिल्कुल तैयार होता है. एंड राजवीर, आई वुड लव टू टेस्ट दिस बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत स्वाद बना है एंड मेरे मुँह में पानी आ रहा है, तो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी चिली पनीर को. और आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर हमें बताइए कि आपने राजवीर के स्टाइल से जो चिली पनीर बनाया वो कैसा बना. और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है प्रोग्राम, इसमें एक आप और डिश सीख पाएंगे. और नेक्स्ट आप क्या सिखाने जा रही हैं राजवीर? नेक्स्ट हम शाही पनीर बनाएंगे. शाही पनीर, ओके, टू डिशेस पनीर की. ओके, लेट मी जस्ट ट्राई. Quite spicy. जी. बहुत अच्छा, वेरी नाइस. जो मद्रास कड़ी पेस्ट यूज किया है ना जी, उसका टेस्ट आ रहा है. मुझे दिख रहा है कि आपको आ रहा है वो टेस्ट. वेरी नाइस, आप जरूर ट्राई कीजिएगा. मैं अभी कहीं नहीं जा रही हूँ, एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हम सीखेंगे शाही पनीर.